लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इस वक्त नवीनबाई के शिल्पकार और लोक नेता गणेश नाइक साहब हमारे साथ हैं। आज उन्होंने नवीनबाई की सुरक्षा के लिए, आगरहारों की सुरक्षा के लिए 9 एम्बुलेंस जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके हाथों से आज लोकार्पण हुआ है। दादा, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए ये आरोग्य सेवाओं में जिस तरह से आपने 9 एम्बुलेंस आज दिया है, क्या आपका मकसद? नहीं देखिए, अभी कोविड का दूसरा लहर अपन हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के लोगों ने कहा है कि तीसरा लहर भी आ सकता है। भगवान करे ना तीसरा लहर ना आए, लेकिन दुर्भाग्यवश समझो आ गई तो उस टाइम में महानगर पालिका की आरोग्य यंत्रणा कुछ ऐसी दुबली नहीं होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। ये देखते हुए माननीय देवेंद्र जी फडणवीस उनके शुभ हाथ से ये 9 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया और मुझे विश्वास है कि कभी दुर्भाग्य से वो लहर आ गई तो ये एम्बुलेंस लोगों का संकट दूर करने के लिए काम आएगी। आप लगातार तकरीबन 45 बार, जबकि लोक प्रतिनिधि नहीं है महानगर पालिका में, कोई सत्ता नहीं है, प्रशासक पूरा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ऐसे में लोकाभिमुख जो कामकाज हो, प्रशासनिक कामकाज, उसके लिए 45 बार से आप लगातार महानगर पालिका में आ रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई लोक प्रतिनिधियों का होना यहाँ बेहद जरूरी है? अगर आप नहीं पहल करते तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, जब कॉरपोरेशन जब से शुरू हो गई 1995 से लेके 2020 तक, मैं कॉरपोरेशन के ऑफिस में 4 ही बार आया हूँ। कितने साल में? करीबन 24 साल में, लेकिन 25वें साल में मैं 45 बार आ गया, क्योंकि यहाँ पे लोक प्रतिनिधि का जो कालखंड खत्म हुआ है। और इसलिए मैं, मुझे लग रहा है कि भाई जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए और लोक प्रतिनिधि यानी नगर सेवक आ जाए और उनका कारोबार करे। उनको मदद करने के लिए कभी 6 महीने में, साल में हम लोग आएंगे, लेकिन उनके हाथों से ही जनता की सेवा हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। जो नवीनबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको लेकर आज प्रकल्पग्रस्त काफी आक्रोशित हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी भावनाओं का सरकार आदर करे, लेकिन सरकार अभी भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मशाल मार्च निकला है, आपकी किस तरह की भावना है? जो प्रकल्पग्रस्त चाहते हैं कि उनको स्थानीय पहचान मिले, लोक नेता दीवा पाटिल का नाम दिया जाए, आपकी भूमिका किस तरह की? देखिए, बात ऐसी कि संजू नाइक, संदीप नाइक, सागर नाइक तो आंदोलन में सब आ गए, और मैंने भी कहा है कि बाला साहब ठाकरे के नाम को हमारा विरोध नहीं, लेकिन दीवा पाटिल साहब के नाम के लिए हमारा आग्रह है। बाला साहब ठाकरे का नाम अभी समृद्धि महामार्ग को दिया गया, महापौर जो निवास था वहाँ पे बाला साहब ठाकरे का बड़ा उधर स्मारक बन रहा है। विदर्भा में एक बड़े जू को बाला साहब ठाकरे का, मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जू है उसको बाला साहब ठाकरे का नाम दिया गया। और भी बाला साहब ठाकरे के नाम देने के लिए बहुत सब्जेक्ट गिरे हुए हैं, लेकिन दीवा पाटिल जिस भूमि से आते हैं, जिस इलाके में उन्होंने काम किया है, यही सही वक्त है। और बोलते ना, इस वेला है, क्या बोल रहे हैं मराठी में, क्या बोलते हैं, इस वेला है। और इसलिए सब खाली अग्री समाज ने प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र इनका आग्रह है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीवा पाटिल का नाम दिया जाए। और वो भावना के साथ मैं जुड़ा ही नहीं हूँ, वो भावना से मैं प्रेरित। आखिरी सवाल, आज जब सवाल पूछा गया कि नवीनबाई में पिछले 2 साल से सत्ता नहीं है, लोक प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे में क्या सरकार इस चुनाव को जानबूझकर टालना चाहती है? देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कहा कि शायद सरकार डरी हुई है क्योंकि आपके नेतृत्व में यहाँ पर सत्ता रही है और फिर से नवीनबाई की जनता आपको ही चाहती है, आपके नेतृत्व में महानगर पालिका में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो दोबारा सत्ता आएगी। आप किस तरह से उनके उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं और किस तरह की भूमिका आपकी रहेगी? नहीं देखिए, बस ये जो आज का महाराष्ट्र जो सरकार है उनको अड़चन की जहाँ बात है वहाँ पे वो किसी से किसी बहाने से उस चीज को टालते हैं। एक कोरोना के माध्यम से इस इलेक्शन को टाला गया, अभी गत 2.5 साल से इधर लोक प्रतिनिधि नहीं है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि 15-20 दिन के बाद में यहाँ का जो कोरोना प्रभावित होने का जो फिगर है शून्य हो जाएगी, उसके बाद में महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशनर, निवडणूक आयुक्त, उनसे हम लोग मीटिंग करेंगे या उनको संपर्क करेंगे और उनको बोलेंगे जल्द से जल्द यहाँ पे चुनाव होने चाहिए। और मुझे विश्वास है कि दिसंबर के पहले या अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में इलेक्शन होने की दार संभावना है।
किस तरह से जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? पहले भी आप दावा कर चुके हैं, अभी जब देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इस बात को कह दिया कि नवंबर में सत्ता भाजपा की आएगी, तो आप किस तरह से आश्वस्त हैं? मैं देखिए बड़े अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, विनम्रता से बोल रहा हूँ। नवंबर की जनता अच्छे विचारधारा के लोगों के साथ आज तक रही है और आने वाले दिनों में भी वो अच्छे लोगों की विचारधारा के साथ रहेगी। 1995 से 1995 से लेकर 2020 तक गणेश नाइक के नेतृत्व में इस सभागृह में लोगों के लिए जनता यानी उनका जो कारोबार किया गया, आने वाले इलेक्शन में डेफिनेटली भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे सभागृह में मेजॉरिटी रहेगी और जनता के लिए अच्छा कारोबार वो लोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि अगर नवंबर महानगरपालिका में दोबारा चुनाव होता है, जल्द होता है चुनाव, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा की ही सत्ता रहेगी और लोक नेता गणेश नाइक के नेतृत्व में ही सत्ता काम करेगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई।